हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, एक इन्फॉर्मेशन, एक कोर्ट ऑर्डर जो है बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है, और उस कोर्ट ऑर्डर के में जो है आप लोग बता रहे हो कि 69,000 शिक्षक भर्ती को जो है बाहर कर दिया गया है। इसी के बारे में जो है डिटेल वीडियो आप लोग चाहते हैं कि बता दीजिए मैम कि इसमें क्या 69,000 शिक्षक भर्ती को जो है जो बीएड वाले स्टूडेंट है उनको क्या उनमें से बाहर किया गया है, तो इसी को लेकर के ये वीडियो हम आए हैं। ये कोर्ट ऑर्डर जो है क्या है, ये अलाहाबाद कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर दिया गया है और इसमें क्या बातें बोली गई है बीएड को लेकर के ही है। ये सारी चीजें डिटेल से इस ऑर्डर को पढ़ करके समझ करके एकदम आसान भाषा में आपको समझाऊंगी है कि इसमें एक्चुअली में बोला क्या गया है और क्या 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें क्या बीएड अभ्यर्थियों के लिए इंस्ट्रक्शन और ये ऑर्डर दिए गए हैं या नहीं। सो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो आप लोगों के लिए जरूरी होती है। देखो, सबसे पहले बात तो मैं यह बोल दूं कि ये जो कोर्ट ऑर्डर है ये आप लोगों के लिए, ये अलाहाबाद हाई कोर्ट का है जिसमें ये केस एक जो है ये बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड है। डेफिनेटली नो डाउट ये बीएड वर्सेस बीटीसी से ही रिलेटेड है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड है, जो यूपी में, उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो हुई है होती है उसमें जो नियमावली है उसी से रिलेटेड ये है। अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं उनको हम एक एक करके जो है देखते हुए चलेंगे। देख लो, यहाँ पर ये जो पेटिशनर है वो है श्याम बाबू और इनके साथ साथ 312 अदर्स भी हैं। इसमें स्टेट ऑफ यूपी अलाहाबाद जो आप देख लीजिए चीफ सेक्रेटरी की तरफ से है। स्पेशली इसमें जिस ऑर्डर के बारे में बात हुई है कि क्या है इसमें, इसमें अगर पूरे डिटेल में आप जाओगे तो बहुत सारी चीजों का जिक्र हुआ है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, इसमें राजस्थान से जो ये डिसीजन आया था, सबसे पहले राजस्थान से डिसीजन आया था 25 नवंबर 2021 में कि बीएड जो है 1 to 5 में एलिजिबल नहीं है, और जो एनसीटी की तरफ से जो गैजेट निकाला गया था 2018 में उसको जो है इनवैलिड कर दिया गया था। पहले इसकी भी जिक्र इसमें की गई है, मैं आपको बताते चलती हूँ पूरा डिटेल में। अगर आप देखोगे तो टू फोल्ड डिस्प्यूट्स क्रॉप्ड अप बिफोर द हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान इन द वेक ऑफ नोटिफिकेशन बाय द एनसीटी इश्यूड ऑन 28/6/2018। वन सेट ऑफ पेटिशनर एजिटेड the grievance that the state ought to include B.Ed qualification as eligibility criteria for appointment of assistant teacher in classes 1 to 5। सबसे पहले मामला जो है ये राजस्थान में ही उठा और वहां से ही इन सारे बातों पे जब चर्चा हुई और इसमें देखा गया कि RTE एक्ट यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत नहीं बना है ये गैजेट, इस रूल्स रेगुलेशन, तो इसको वहीं से इनवैलिड मान लिया गया। ठीक, ये हुआ है पहले राजस्थान में। फिर उसके बाद से ये मामला जो है यूपी तक भी पहुंचा है। ये जिसमें ये सुनवाई हुई है ये मामला स्पेशली बीएड के क्वालिफिकेशन को लेकर के क्वेश्चन किया गया है कि बीएड जब एलिजिबल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला दे दिया गया है कि अब 1 to 5 में बीएड एलिजिबल नहीं है, तो जो नियमावली है यूपी की, उत्तर प्रदेश की जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की जो नियमावली है उसमें संशोधन क्यों नहीं हो रहा है, और उसी से रिलेटेड ये ऑर्डर है। एकदम क्लियर देख लो, यहां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी बात हुई है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट था 80 नंबर में, इन आवर कंसिडर्ड ओपिनियन देयर फॉर द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डेटेड 30/5/2018 culminating in the notification dated 28/6/2018 of NCTR violated of the principles as laid down in the RTE Act. RTE Act में जो principle है, जो सिद्धांत है, उसके एकदम ये खिलाफ गया है क्योंकि NCTR ने अपने स्वयं से जो है ये rule नहीं बनाया है, ये कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उनको बताया गया था 30 मई को जो नोट उनको एक लेटर दिया गया था उसके अनुसार ये किया गया है, तो इसको इनवैलिड कर दिया गया। ठीक, ये सारे पॉइंट्स को सुप्रीम कोर्ट का उठाया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उठाया गया इसमें। इसमें बताया गया है कि किस तरह से देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये पूरी तरीके से क्लियर कर दिया गया है कि राजस्थान हाई कोर्ट का जो फैसला था 25 नवंबर 2021 को, उसी को अपहेल्ड किया जाएगा और 2018 का जो गैजेट है जिसके अनुसार बीएड को 1 to 5 में शामिल किया गया है उसको क्वेश्चन कर दिया गया है। ये लास्ट वाला जो आप लोग का पॉइंट है इसमें ये क्लियर तौर पे बोला गया है।
Consequently, the appeals are dismissed and the judgment dated 25/11/2021 of the Rajasthan High Court is upheld. The notification dated 28/6/2018 is hereby quashed and set aside. The writ petitioners and all the pending applications stand disposed of in light of the above order. Clear? तो ये जो ऑर्डर आया है इसमें इस बात की भी जिक्र हुई है. सो इसमें अब टोटली ये बात बोली गई है कि जब ये चीजें हुई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद 4 सितंबर को, 4th of September, देखिए मैं ये भी आपको डेट बता देती हूँ, वो लेटर के बारे में हमने आप लोगों को पहले भी बताया था. 4 सितंबर को जो है एनसीटी एक लेटर जारी करती है सभी के सभी स्टेट के एजुकेशन अथॉरिटी को, उनको बताया जाता है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है एंड इसी फैसले के अनुसार आगे का जो है जो भी टीचिंग प्रोसेस होगा, टीचिंग वैकेंसी जो भी निकलेगी उसी के अकॉर्डिंग इसको किया जाएगा. ये लेटर के बारे में भी आप लोग जानते हो, उसका भी जिक्र जो है इसमें हुआ है. यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बोला गया है एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द जजमेंट रेंडर्ड बाई ऑनरेबल द एपेक्स कोर्ट अपहोल्डिंग द जजमेंट ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट 11/8/2023, यानी कि 11 अगस्त को जो ये जजमेंट आया उसके बाद द एनसीटी हैज इशूड नेसेसरी डायरेक्शन टू ऑल द स्टेट ऑन 4th of September 2023 वेयर बाय नेसेसरी रेक्टिफिकेशन इन द स्टैचुरी रूल्स और नोटिफिकेशन इशूड फॉर इंक्लूडिंग बीएड as the eligibility qualification of for appointment of assistant teacher has been directed to be made. तो यहाँ पर दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि एनसीटी ने खुद एक लेटर, एक डायरेक्शन जारी किया है सभी स्टेट को और बोला है कि अब जितने भी टीचिंग वैकेंसी रिक्रूटमेंट होंगे वो इसी के अकॉर्डिंग किए जाएंगे, जो डायरेक्शन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से. तो जब इतना सारा कुछ क्लियर हो गया है तो यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि इट इज नाउ क्लियर, अब ये पूरी तरीके से क्लियर है यूपी के लिए, तो क्यों अभी भी जो है 1981 जो नियमावली है इनकी इसमें संशोधन क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों अभी भी बीएड वहां पे शो हो रहा है 1 to 5 के लिए एलिजिबल, इसी के लिए ये ऑर्डर दिया गया है. अब देखिए, It is not the case before us that the state of UP has not agreed to the implementation of the communication issued by the NCT on 4th of September 2023. That being so, we see no reason for the petitioner to assail the amendment made in the rules which were notified in furtherance of the NCT notification dated 28th of June 2018. जो 1981 की जो नियमावली है अभी भी उसमें बीएड को क्यों बना के रखा गया है जबकि एनसीटी के गैजेट को ऑलरेडी क्वेस्ट कर दिया गया है. तो ये पूरा जो ऑर्डर है जिसकी वजह से 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया वाले बीएड अभ्यर्थियों के बीच में खलबली मच गई है और ये खलबली मचने का रीजन भी यही है क्योंकि अभी अभी बिहार से पटना हाई कोर्ट से भी जो है 2020 वाला नोटिफिकेशन जो छठे चरण की भर्ती थी उसमें से बीएड को बाहर किया गया है. तो कहीं ना कहीं ये भी बच्चे डरे हुए हैं. लेकिन मैं बता दूं, जितने भी र्यूमर्स, जितने भी अफवाहें फैलाई जा रही है यूट्यूब पे या बाकी न्यूज से, आप लोग बिल्कुल नहीं डरिए. ये जो डायरेक्शन या ये जो ऑर्डर है ये आप लोगों से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, अभी बिल्कुल भी इसके ऊपर जो है चर्चा नहीं की गई है. और लास्टली जो है यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है इसी के अकॉर्डिंग अब अपनी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को करे. आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा गया है, वी डू नॉट सी एनी कॉज फॉर द पेटिशनर टू क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ द रूल्स इम्पोज हियर इन. द स्टेट गवर्नमेंट हाउएवर इज हियर बाय डायरेक्टेड टू टेक द डिसीजन इन फर्दरेंस ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ एनसीटी डेटेड 4th of September 2023 at the earliest and act upon the notification in accordance with the law. तो ये जो order आया है वो संशोधन से related है, जो शिक्षक भर्ती के लिए recruitment जो होता है, जो eligibility criteria जिसको हम नियमावली बोलते हैं उसमें संशोधन करने को लेकर के ये petition दायर किया गया था और उसी से related ये order आया है कि जल्दी से जल्दी जो है according to law जो notification जो बोल सकते हो इंस्ट्रक्शंस एनसीटी ने दिया है सभी स्टेट को 4 सितंबर 2023 को दिया है उसी के अनुसार जल्दी से जल्दी ये सारी चीजें की जाए. तो सिंपल है, ये 1981 के नियमावली को में संशोधन करने की बात कही जा रही है, उसके बाद और कुछ नहीं है.
आप लोगों को इसमें और कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ये उससे रिलेटेड है। हाँ, यूपी में अभी जो 69,000 शिक्षक भर्ती वाले जो बच्चे हैं उनको टेंशन हो रही है कि क्या चीजें होंगी, अब इसका असर होगा या नहीं होगा ये सब अलग बात है, फिलहाल ये ऑर्डर जो है आपसे रिलेटेड नहीं है, ये क्लियर हो गया। बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आ रहे थे, आई होप कि आपके सारे क्वेश्चंस जो है दूर हो गए होंगे। अभी भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो में हमें कमेंट कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।